फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो एक नए सेगमेंट के ऊपर है, ये भीम टच पेन के ऊपर है। बेसिकली ये सब फाउंटेन पेन है, जिसमें सबसे पुराना ये पार्कर 45 मॉडल है, फिर ये हीरो है, विंगशंग है और विल्सन है। तो एक एक रिव्यू करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेड इन USA लिखा हुआ है, 45 मॉडल है। ये शायद 1945 में लॉन्च हुआ था और ये 1983 में इसको डिसकंटिन्यू करके जेटर पेन बनाया गया, बॉल पेन। ये देखिए इसका नीब, ये मेरे दादाजी का है और ये बहुत कॉस्टली उस टाइम में होता था। और ये देखिए, ये आ गया हीरो। हीरो बेसिकली चाइना का प्रोडक्ट है और ये उस टाइम में काफ़ी डिमांडेबल भी था और काफ़ी फेमस भी हुआ था। ये स्मूथ राइटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप फास्ट राइटिंग करना चाहते हैं तो हीरो पेन बेस्ट है। फिर इसके बाद आता है विंगशंग। विंगशंग का 223 मॉडल, ये देखिए 233 मॉडल। ये बेसिकली इसका नीब थोड़ा मोटा है, ये पार्कर 45 से इंस्पायर्ड है लेकिन थोड़ा अलग है। ये कैलीग्राफी के लिए और बोल्ड लेटर के लिए लिखा जाता है। बेसिकली ये सिग्नेचर पेन है, सब सिग्नेचर के लिए यूज होता है। ये भी सेम मॉडल है और ये पॉइंटेड वाला नीब है। ये देखिए, ये डॉक्टर लोग बहुत यूज किया करते थे। इसमें एकदम थिन राइटिंग होगा और स्मूथ राइटिंग होगा। और ये है विल्सन का फाउंटेन पेन। इसका नीब देखिए, ये डॉक्टर लोग भी काफ़ी यूज किया करते थे। ये बहुत क्यूट है और बहुत फास्ट राइटिंग होता है। अब मैं इनकी राइटिंग क्वालिटी आपको दिखाऊंगा। एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ में लिखना उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखते तो हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ाने की हिम्मत दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड माय सब्सक्राइबर्स हु सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग आशीष गोल्डन मेमोरीज।